दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। झड़प एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों के बीच हुई है। एक तरफ जहां लेफ्ट ने एबीवीपी के ऊपर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज ना खाने देने का आरोप लगाया है, वहीं एबीवीपी की तरफ से कहा गया है कि लेफ्ट के छात्रों ने रामनवमी की पूजा नहीं करने दी। इस झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दर्दनाक भी हैं और शर्मनाक भी। मेरा नाम आयशा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है, एबीवीपी ने जेएनयू के छात्रों को नॉनवेज खाने से रोका। एबीवीपी ने हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ भी मारपीट की। दूसरी तरफ एबीवीपी की जनरल सेक्रेटरी निधि त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि रामनवमी में कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे दिव्यांग छात्रों को वामपंथियों ने मारा और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया, नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके की मत मारो लेकिन फिर भी नहीं माने। इस सब में पुलिस की क्या भूमिका रही उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यूनिवर्सिटी की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, ऐसा डीसीपी का कहना है। डीसीपी मनोज सिंह ने आगे बताया कि घटना में कुछ छात्र घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के मुताबिक स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। डीसीपी ने आगे कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जेएनयू, एसयू, एसएफआई, डीएसएफ और एआईएसए के छात्रों ने एबीवीपी के कुछ छात्रों के खिलाफ केस दर्ज भी करवाया है। पुलिस के मुताबिक एबीवीपी के छात्रों ने भी लेफ्ट विंग के छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अब बात की जेएनयू प्रशासन ने क्या कहा। आज तक की एक खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी कर कहा गया है कि जेएनयू कैंपस में मेस में किसी भी धर्म के लिए खाने पीने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सभी धर्म के छात्र अपने त्योहारों को अपने तरीके से मना सकते हैं। किसी के भी पहनावे, खान पान या आस्था पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। प्रशासन की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि मेस स्टूडेंट कमेटी चलाती है और मेन्यू भी वही तय करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।